देख रहे हैं बिंदास बोल, और हम बिंदास बोल में आपके सामने विषय लेकर आए हैं। पूछ रहे हैं आपको कि क्या अन्ना के आंदोलन ने जनता में जगाने का काम किया है और यह आंदोलन का आगे क्या होना चाहिए। लोगों को लग रहा है कि आंदोलन जो भी हुआ ये केवल सत्ता में बैठे हुए लोगों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो दिल्ली में बैठे हुआ है, हालांकि इसमें प्रदेश में भी जन लोकपाल की मांग की गई है। फिर भी जो लोगों को लगता है कि छोटे ग्राम पंचायत से लेके नगर पंचायत और नगर पालिका में भी होने वाले भ्रष्टाचार का, ब्लॉक पर होने वाले भ्रष्टाचार का भी कोई प्रतिबंध होना चाहिए। आम आदमी का जीना और कैसे आसान हो सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, इस दिशा में भी काम होना चाहिए। ये काम केवल लोक जनपाल बिल से नहीं होगा, आपको भी आपकी जगह बना जागना पड़ेगा, अन्ना बनना पड़ेगा, तब जाके ये बात संभव है। और एक कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कि पहले कॉलर से बात कर लेते, फिर आपको दिखाएंगे जंतर मंतर के बाद अब इंडिया गेट पर लोगों ने कैसे कैंडल मार्च चलाया है, वहां भी आपको लेके चलेंगे। नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे। हाँ सर, मैं मध्य प्रदेश सिरोंज से प्रमोद तिवारी बोल रहा हूँ। बोलिए प्रमोद जी। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज चैनल को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो गरीबों से और आम पब्लिक से जुड़ी बातें मुद्दे उठाते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। और अन्ना हजारे जी जो हमारे आज के गांधी है, उनके लिए तो सब हम सभी आम पब्लिक, आम मजदूर मर मिटने के लिए तैयार है, और उनके लिए धन्यवाद और भविष्य के लिए बड़े कामना करता हूँ मैं। और बाबा रामदेव जी के खिलाफ बोलने वालों के लिए कार्रवाई होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जो देश के लिए बोलता है, जो लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ और भी एक कॉलर जुड़े हैं, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं, वो इंडिया गेट आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर आज का ये जल्लोष मनाया जा रहा है। हेलो हेलो जैन। हाँ जैन बोलिए। सर बिल्कुल, अन्ना जी के आंदोलन ने जनता को जगाया है। पहले हम कोई ऐसा इतना वो नहीं कर सकते थे कि के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सके, लेकिन इसी वजह से परसों एक पुलिस वाले ने 10,000 पे FIR लिखने के मांगे कंजावला थाने के IO राजेंद्र कुमार ने। फिर भी उसके बारे में हम CP के यहाँ गए और अन्ना जी के वहाँ पे भी गए जंतर मंतर पे, इसी वजह से हम ऐसा करने को उतावले हुए, नहीं तो ऐसा हमारे में साहस नहीं था। वाह, बहुत अच्छा उदाहरण आपने खुद से दिया है मंजीत जी, धन्यवाद आपको भी, और आपको हम शुभकामना देते हैं आगे भी आप ऐसा संघर्ष जारी रखें। और एक कॉलर बोलिए क्या कहेंगे। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आपके चैनल को शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, और अन्ना हजारी जी बोलिए। बिल्कुल। जो काम अन्ना हजारी जी ने किया है वो बहुत अच्छा काम है, पर पब्लिक और अधिकति इसका गलत फायदा ना उठाए। बिल्कुल। क्योंकि हेलो, हाँ, हम जैसे हमारा अनुभव बताते हैं, हाँ, हम हमारे यहाँ रावेर तहसील में गए रिकॉर्ड रूम में, तो जहाँ रिकॉर्ड रूम में जो शासकीय फीस होती है, हाँ, वो फीस हमको मांगी गई, और ऊपर से हमको 200 रुपए एक्स्ट्रा मांगे गए वो कागजात लेने के लिए। बिल्कुल। तो हमने सीधे मना कर दिया और सीधे हम तहसीलदार के पास गए, और तहसीलदार को हमने बताया कि साहब आपके जो लोग हैं रिकॉर्ड रूम में वो हमको पैसे मांग रहे हैं। तो साहब ने उनको बुलाया और बोला काय के पैसे मांग रहे हैं, इनसे तुम शासकीय फीस लो। तो हमारे से शासकीय फीस ली उन्होंने, पर हमको एक साथी रसीद बना के दी। हेलो, मतलब एक ही प्रकार से भ्रष्टाचार है ये भी। हाँ, सादी रसीद बनाकर भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर भी अंकुश लगनी चाहिए। और एक कॉलर, नमस्कार, अपना नाम बताइए। अशोक भट्ट। कहाँ से बोल रहे अशोक जी? गुजरात, कलम गांव गुजरात। बोलिए बोलिए क्या कहेंगे आज के इस पूरे मुद्दे पर। हाँ, ये जो म्यूजियम छेड़ा है अन्ना हजारे ने, तो बोलिए बोलिए। हाँ, तो इसके ऊपर बराबर जो सरकार अभी तो झुक गई है, लेकिन ये सरकार में जो बैठे हैं ये लोग ऐसे कायदा बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो उसमें ऐसी छटकबारी रखेंगे। बिल्कुल, सावधानी रखनी चाहिए। धन्यवाद अशोक जी। अशोक जी गुजरात से हमारे कॉलर बता रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल सरकार की तरफ से रखे जा सकते हैं, जिससे कि ये राजा जैसे और अपने भ्रष्ट लोगों को बचाने की एक प्रक्रिया का
उपयोग किया जा सके, ऐसा संदेह है अशोक जी हमको हमको कॉल करके व्यक्त करें और एक कॉलर से भी बात करते। नमस्कार, हेलो, हाँ आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। हम बोलना चाह रहे हैं, पहले तो अन्ना जी को बधाई है, बहुत बहुत बधाई। और जो है जो ये इन्होंने बिंदास बोल चलाया है, इसके ऊपर इन्हें जो है विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये जो लाइन चली हुई है, जिस लाइन पे आप ये चल रहे हैं, इसको जो चलना चाहिए। जो भी कुछ चल रहा है ये बिल्कुल विचार करना चाहिए, सब सबको मिलजुल कर चलना चाहिए। बिल्कुल सबको मिलजुल कर चलेंगे तो ही एक साथ कारवा बनेंगे। अकेले जी की ये विचार है और सबको समर्थन करना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गाजियाबाद से। धन्यवाद। सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, तभी कारवा बनेगा, तब माहौल बनेगा, तब जाके सब एक होंगे, और एक होंगे तो क्या होगा, दिल्ली में जंतर मंतर पे दिखाई दिया है। और एक कॉलर बोलिए। हाँ बोलिए। अरे मैं ना सबको, ये दूसरा गांधी हमारे, हाँ वो देश को इतना जागरूक किया है कि बात करो गति वंदन करना चाहिए ऐसे आदमी को, कि ये देश में इतना भ्रष्टाचार है कि आदमी जन्म लेता है और मरता है तब तक भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है। बिल्कुल, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके है। मैं तो बोला हूँ लोग में जागृति फैलाना चाहिए कि लोगों को जो भ्रष्टाचार करता है, जो पैसा लेता है, रिश्वत लेता है, उसको का कपड़ा निकालते रोड पे लाके मरना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं गुजरात से कच्चे कॉल करके। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तब हर जगह पर पैसे दिए बगैर कुछ नहीं होता, ऐसे देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई आंदोलन यशस्वी हुआ है तो अन्ना को बधाई दे रहे गुजरात से। हम आपको दिखाते हैं इस पूरे जश्न को क्रमवार तरीके से, 5 तारीख को यह आंदोलन शुरू हुआ तो आज तक कैसे पूरा माहौल बना, कैसे यह आंदोलन आगे बढ़ा और लोगों ने कैसे हाथों हाथ इसको उठाया, देखिए। ये जंग जनता की है, आखिर जीत गया लोकतंत्र। सभी माध्यम मान्य कर दिया सरकार ने, जितनी मांगे थी सब मान्य कर लिया सरकार ने, और हार गए हुक्मरान। अब हमें देखना है कि जल्द से जल्द हम अपना गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू करें, उसमें जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके नाम होंगे। जीत गई आवाम की आवाज। कहते हैं कि जब दरख्ते दरवाजों से उम्मीदों की रोशनी नजर आती है तो आशा और विश्वास की एक नई आंधी आ जाती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नजारा है दिल्ली के जंतर मंतर का। एक बार फिर आवाम की आवाज उम्मीदों की रोशनी लेकर आई। देश की जनता अपने रहनुमाओं से त्रस्त आ गई थी। देश में भ्रष्टाचार का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया था जिसको देश की जनता तोड़ना चाहती थी। बस जरूरत थी तो एक नई पहल की, एक नई उम्मीद की। दिल्ली के दूर दरवाजों से जब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक आवाज सुनाई दी तो यकीन मानिए सारा देश एकजुट हो गया। अन्ना हजारे के साथ सुर में सुर मिलाने के लिए देश का हर एक शख्स तैयार हो गया। जन लोकपाल बिल लाने को लेकर एक ऐसी मुहिम चली जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। चैन की नींद सोने वाले उन हुक्मरानों की नींद उड़ा दी जो महज वादों और विवादों में अपनी सियासत को चमकाते हैं। आखिरकार अन्ना हजारे की मुहिम ऐसी रंग लाई कि सारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन तेज हो गया। हर गांव, हर शहर से लोग यही कह रहे थे कि अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 80 साल का बुजुर्ग हो या 8 साल का नौनिहाल, देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर कोई प्रतिबद्ध था। यकीनन आजाद भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पहली मुहिम थी। अब कोई इसे जेपी आंदोलन की संज्ञा से नवाज रहा था तो कोई इसे मिस्र के तहरीर चौक से। पर ये तो सच है कि सड़कों की नुक्कड़ों पर, बंद एसी कमरों में, ट्रेनों में और बसों में भ्रष्टाचार की बातें करने वाले लोग अब सड़कों पर उतर आए थे, और यकीनन
एक स्वर एक आवाज में यही कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी जिंदा है तब तक हम शर्मिंदा हैं। आम आदमी की ये आवाज वाकई में उन सियासी लोगों के लिए सबक भी था जो जनता को महज वोटों की कठपुतली मान लेते हैं, जो चुनाव के दौरान जनता को अपनी जागीर समझ बैठते हैं। यकीनन क्रांति के कारवां के इस क्रांति दूत को अपना सलाम। योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इस पूरे आंदोलन में ये एक तरीके से घटनाक्रम रहा। हम आपको और भी एक घटनाक्रम दिखाएंगे, लेकिन हम आपको अभी कुछ कॉलर से भी बात कराएंगे साथ साथ में। अभी इस वक्त जंतर मंतर पर चल रहा जो कैंडल मार्च है, जो कि लोग उत्साह वहां पर एक व्यक्त कर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अभी अभी के नजारा है, ये इंडिया गेट का, दिल्ली का। एक कॉलर बात करते हैं, जो सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं संजीव कुमार होता खरियार उड़ीसा से बोल रहा हूँ। बोलिए संजीव जी। जी, जो अन्ना जी कर रहे थे देश के लिए कर रहे थे, ये कोई अपने लिए नहीं कर रहे थे। इतने बड़े काम जो आजादी के बाद हमने कभी गांधी जी को नहीं देखा था। पहली बार हमें लगा कि महसूस हुआ, हम तो उस टाइम थे ही नहीं, अभी हमें गांधी का महसूस हुआ। ये एक बड़ी चीज है और ये बड़ी देश की जीत है। बिल्कुल। हाँ जी। और इसी तरह अगर अच्छा अगर रेस्पॉन्स रहेगा, लोगों का भी साथ रहेगा, हमारा भी साथ रहेगा। हम एक छोटे से शहर से आ रहे हैं, तो हम लोग का पूरा, हम भी एक दिन उपास रहे थे और पूरी समर्थन कर रहे थे अन्ना जी को। बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी और ऐसे सारे लोगों का जिन्होंने अन्ना के आह्वान पर देश भर में अपने अपनी जगह पर उपोषण किया और अनशन किया और नैतिक आधार दिया इस पूरे आंदोलन को।